श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। तो चलिए शुभारंभ करते हैं पुरानी फिल्मों के गीतों का कार्यक्रम। सबसे पहले हम फिल्म जीत का गाना पेश करते हैं। इसे आवाज दी लता मंगेशकर ने, संगीत दिया अनिल बिश्वास ने, गीत को लिखा प्रेम धवन ने। हंसने जाने वो कान मेरे, ओ मेरे कान हंसने जाने। तारों के समान सूरज में हंसने जाने, तारों के समान सूरज में हंसने जाने। वो कान मेरे, ओ मेरे कान हंसने जाने। दुनिया फिल्म के इस गाने को सुरैया ने आवाज दी, संगीतकार है सी रामचंद्र। मेरे दिल में आओ और बस जाओ, आगे फिर न जाना। मेरे दिल में आओ और बस जाओ, आगे फिर न जाना। मुझे न सताना, गोया मुझे न भुलाना, करके कुछ बहाना। मेरे दिल में आओ और बस जाओ, आके फिर न जाना। ओ बादल घिर घिर आए क्यों, कोयल गीत सुनाए क्यों,
जाए क्यों, कली खिल खिल जाए क्यों, बिल्कुल ऐसे गाए क्यों, गाए क्यों, मेरे दिल में आओ और बस जाओ, आके फिर न जाना, मेरे दिल में आओ और बस जाओ, आके फिर न जाना। बातें करके भोली भोली पंछी खेले आंखों चोली, बातें करके भोली भोली अपनी बना कर भोली चोली, अपनी बना कर भोली चोली, बोलते हैं सब प्यार की बोली, प्यार की बोली, मेरे दिल में आओ और बस जाओ, आके फिर न जाना, मुझे न सताना गुइया, मुझे न गुनाना करके तू बहाना, मेरे दिल में आओ और बस जाओ, आके फिर न जाना। अगला गाना हमने फिल्म आरसू से लिया, आवाज दी चंद्रहास ने, संगीतकार है अनिल विश्वास, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी। हिम्मत न हारना, इन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ऐ दिन तुझे खत्म है, उल्फत के रास्ते में, उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, हमसे न हारना, हमसे न हारना, ऐ दिल तुझे खत्म है, ऐ दिल तुझे खत्म है, ऐ दिल तुझे खत्म है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, ऐ दिल तुझे खत्म है। कर संवारना, दिल तुझे खत्म है, दिल तुझे खत्म है, दिल तुझे खत्म है, हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, दिल तुझे खत्म है। दुनिया सितम करे तो, दुनिया सितम करे तो, न करना बिना कोई, न करना बिना कोई, जो तेरे हो चुके हैं तू उनको पुकारना, उनको पुकारना, तुझे खत्म है, पसंद है, मैं दिल तुझे पसंद है, तू
हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, मैं भी तुझे पसंद हूँ। दुलारी फिल्म के इस गाने को लता मंगेशकर ने आवाज दी। गीत को लिखा शकील बदायूनी ने। इस समय 8:42 हुए। अभी आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों का संगीत। अगला गाना हमने फिल्म आरजू से लिया। आवाज दी चंद्रहास ने। संगीतकार है अनिल विश्वास, गीतकार है नजरुल सुल्तानपुरी। मार चला ये ख्याल ये हम नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं किसी और का हो गया कोई तो हम नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं शहर तो खा लेते यूं बिन खंजर भी चला लेते लेकिन ना हो उनको खबर तो हाय सितम ना इधर के नहीं ना उधर के नहीं प्यार का फंदा गर्दन में जीते न बने मरने न बने हंसते न बने मरते न बने हंसते न बने मरते न बने यू ही बीच गले में अटका है दम नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं यू ही गले में अटका है दम नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं हमें मार चला जिंदगी हम नहीं धर के नहीं ना धर के नहीं हमें मार चला जिंदगी the time is 7:45. This is the Sri Lanka Broadcasting Corporation. The news read by Bevil Panyavadnam. The headlines. The program to release 30% of the EPF to the employees will commence next month. Prepaid smart card for private buses to be introduced. The news in detail. The National Transport Commission takes measures to introduce a prepaid smart card for private buses. The chairman of the commission, Roshan Gunawardhan, told SLBC the new system will help to overcome the issue of paying balance money to the passengers. Another plus point of the program is the owners of the private buses will be able to track the total income of their buses. Bids have been called from several institutions to design the smart card. The chairman requests the institutes to submit their entries before 24th of this month.
Secretary to the Ministry of Labour Affairs, WJLU Vijayveera, says the programme to release 30% of the EPF to the employees will commence at the end of next month. This fund can be utilised to purchase a house, construct a house, purchase a block of land, pay for an immediate health issue or pay back a loan which has been borrowed by placing the EPF as a surety. The fund is not supposed to be paid back. The Ministry of Labour Affairs has planned to provide 30% of the EPF to 50,000 employees annually. Employees who have completed 10 years of service are eligible to apply. The Vishwa Shanti Buddha statue, which has been taken all over the world to invoke blessings for world peace, will be brought to Sri Lanka today. The Presidential Office and the All Island Buddhist Association have jointly made arrangements to bring this holy statue to Sri Lanka. The statue has been sculpted in a rare greenish-colored gem discovered from Canada. The statue is 8 feet in height and weighs 4.5 tons. The seat of the statue, made of quartz, is 2 feet in height. It is estimated that this statue is worth about 650 million rupees. Already the statue has been taken to Vietnam, Australia, the United States, Germany, England, Singapore, Taiwan, China and Thailand, and it has been worshipped by over 12 million devotees. The statue will be kept in the Temple Tree's premises on Tuesday and Wednesday and will be taken to the BMIC's premises and will be on display for the devotees to worship from the 11th to the 19th of this month. On rail news, some 48 Indian pilgrims have been kidnapped from a bus in the vicinity of a shrine near the Syrian capital Damascus. Iranian diplomats blame the abduction from close to the Shia shrine of Sayyidah Zainab on armed groups. Syrian state television later gave some account of the incident. Meanwhile, fresh fighting has been reported around Damascus in the northern city of Aleppo, where rebels are trying to secure their positions. The Iranian consul in Damascus said the whereabouts of the abducted pilgrims was not known. China said Saturday that the West should be blamed for obstructing a diplomatic and political solution to Syria's crises, because it advocated regime change, dismissing criticism by the United States and others that China and Russia have hindered peace efforts. China and Russia have repeatedly used their veto power at the UN Security Council to block strong Western and Arab-backed action against Syrian President Bashar Assad. Moscow is a key ally of Assad, and China cites its stance against military intervention. To end this news broadcast, the main points. The program to release 30% of the EPF to the employees will commence next month. Prepaid smart card for private buses to be introduced. And with that, we end this news broadcast. लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गाना महल फिल्म से लिया है। संगीत दिया केमचंद प्रकाश ने, गीत को लिखा नक्षत्र ने। I'm not going to be able to do that.
फिल्म के इस गाने को आवाज दी मीरा कपूर ने। संगीतकार है गिरिधर शर्मा, गीतकार है सरस्वती कुमार दीपक। Yeah.
आखिरी गाना स्वर्गीय कुंदनलाल सैगर की याद में पेश करते हैं। फिल्म है शाहजहां, संगीतकार है नौशाद, गीतकार है मजरूह। कितना ना दुख है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, दे दावलो तुमसे है महीनो कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से काम छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से काम हम की नजरों से नजरें बचा कर, उसके वो चलती है कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। जाग देखे ये मोहब्बत की बेदाग देखे, कोई मेरी ये जाग देखे ये मोहब्बत की बेदाग देखे, दुख रहा है जिक्र पड़ रहा है मगर मुस्कुराना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। हम दिए मुस्किन इतना नाजुक है दिल ये न जाना, इस गाने के साथ पुरानी फिल्मों का संगीत समाप्त होता है।